हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द डार्क एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का जो डार्क समय रहा है उसको पढ़ने वाले हैं हम। तो मैं बता देती हूँ ये किस सिलेबस का टॉपिक है। वैसे तो हर कोई जिसके भी सिलेबस में ये टॉपिक है हर कोई इस क्वेश्चन को देख सकता है। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये यूपी स्टेट बी ए फिफ्थ सेमेस्टर यूपी स्टेट की यूनिवर्सिटी जो है उनका बी ए फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है इंग्लिश लिटरेचर का पेपर फर्स्ट का द क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर है फर्स्ट है ये पेपर फर्स्ट। इसका जो यूनिट है हमारा फिफ्थ यूनिट है इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू रेनाइसिस। इसका जो सेकंड टॉपिक है द डार्क एजेस उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। द एज ऑफ चौसर हम पहले ही इस पे वीडियो बना चुके हैं और बाकी यूनिट्स की भी पहले हम वीडियो बना चुके हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक, तो वहां जाके आप ज़रूर देख लें इन वीडियोज़ को, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट द डार्क एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी साहित्य के अंधकार युग, डार्क एज कौन सा हुआ, अंधकार युग, जिसमें ज्यादा मतलब राइटर्स ने ज्यादा कुछ लिखा ना हो, है ना, के बारे में आप क्या जानते हैं, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो आंसर है इसका द डार्क एजेस इज अ टर्म फॉर द अर्ली मिडिल एजेस। जो ये टर्म है द डार्क एजेस वो किसके लिए यूज़ की गई है, मिडिल एज के लिए, अर्ली मिडिल एज के लिए, ठीक है, मध्यकालीन युग के लिए, और ओकेशनली द इंटायर मिडिल एज, कभी कभी ये पूरे मिडिल एज को भी संभृत करती है, मतलब दर्शाती है, मतलब पूरा मध्यकालीन युग को भी दर्शाती है ये। इन वेस्टर्न यूरोप, कहाँ पर, वेस्टर्न यूरोप में, आफ्टर द फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर, जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर का वो हुआ था, पतन हुआ था, गिरावट आई थी, मतलब ठीक है, वेस्टर्न रोमन एम्पायर में पतन हुआ था उनका, तब का जो टाइम था उसको डार्क एज की तरह कहा जाता है, जो मध्यकालीन टाइम था तब का, ठीक है। अंधकार युग पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, या कभी कभी मध्यकालीन युग को, ठीक है, या कभी कभी पूरे मध्य युग को, पूरे मध्ययुग के लिए एक शब्द है जो ये डार्क एज है, ठीक है, दैट करेक्टराइजेस इट एज मार्क्ड बाय इकोनॉमिक इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक एंड कल्चरल डिक्लाइन, जो इसे आर्थिक, इकोनॉमिक्स मतलब आर्थिक, ठीक है, और इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक और सांस्कृतिक गिरावट के रूप में चिन्हित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब जो हमारा वेस्टर्न रोमन एम्पायर था जब वो फॉल हो रहा था, पतन हो रहा था उसका, तब जो उस समय का जो मिडिवल टाइम था उसको बोलते हैं मिडल, मध्यकालीन समय था उसको बोलते हैं हम डार्क एज, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर में ज़्यादा कुछ नहीं किया गया था इसमें, तो उसको हमने डार्क एज बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हम क्वेश्चन के साथ साथ ही समझ में आता रहेगा हमारे कि डार्क एज क्या है। क्वेश्चन है हु रोट अबाउट द डार्क एज, डार्क एज मतलब किसने लिखा डार्क एज के बारे में, मतलब जो उस टाइम का समय था उसके बारे में आगे चलकर किसी राइटर ने लिखा है कि ये जो टाइम था वो एक डार्क टाइम था, तो वो किसने लिखा है ये बताना है, अंधकार युग के बारे में किसने लिखा है। आंसर इसका दस 14th century इटालियन पोइट पेट्रॉक, इसको पेट्रॉक पढ़ेंगे, इज द बेस्ट नॉन मिडिवल सोर्स फॉर द आइडिया दैट द पीरियड इन यूरोप फ्रॉम अराउंड 500 and 1500 वाज डार्क, जो 500 से लेके 1500 तक का जो समय था वो डार्क था, ठीक है, के आसपास का समय। इन्होंने क्या बताया, 14th century के जो ये पोएट थे पेट्रॉक, वो थे 14th century के, इज द बेस्ट नॉस्ट, इस विचार के लिए सबसे प्रसिद्ध मध्ययुगीन स्रोत हैं, ठीक है, सोर्स हैं ये एक तरीके के डार्क एज के बारे में बताने के लिए। फॉर द आइडिया कि यूरोप में लगभग 500 से 1500 तक की अवधि, ठीक है, जो ये टाइम पीरियड है अवधि का अंधकार था वो डार्क था, ठीक है, जो 500 से 1500 के बीच का समय था यूरोप में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे यूनिट तो पता ही है आपको इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू रेनाइसिस का ये डार्क एज टॉपिक है, तो हम पढ़ लेते हैं। इसका क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन डार्क एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एक नोट लिखना है डार्क एज के ऊपर, इंग्लिश लिटरेचर में जो डार्क एज रही है उसके ऊपर एक नोट लिखना है।
तो देख लेते हैं इसका आंसर अब हम. द डार्क एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्पेनिंग फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली द 5th to 11th century. मतलब जो डार्क एज का जो पीरियड है वो 5th to 11th century तक था, ठीक है, लगभग, जो रिप्रेजेंट करता था अ पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड लिटरेरी डेक्लाइन. जो रिप्रेजेंट करता था इंग्लैंड में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और साहित्यिक गिरावट की अवधि को. दीज सेंचुरीज वे आर मार्क्ड बाय अ लैक ऑफ राइटिंग रिकॉर्ड्स एंड अ डिक्लाइन इन स्कॉलरली परस्यूट फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ द रोमन एम्पायर. इसका मतलब क्या हुआ, इन शताब्दी में लिखित अभिलेखों की कमी, लैक ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स एंड आ डिक्लाइन इन स्कॉलर परस्यूट्स. रोमन साम्राज्य के पतन के बाद विद्वानों की गतिविधियों में गिरावट देखी गई, ठीक है. मतलब जो वहाँ के जो विद्वान थे, जब एम्पायर, जो इंग्लैंड का एम्पायर था वो, उसका पतन हुआ तो उसके बाद जो विद्वान थे उनकी लिखाई में, मतलब वो उन्होंने लिखना कम कर दिया, ठीक है, तो उसके वजह से कम लिखा गया इंग्लिश लिटरेचर में. विद द इन्वेशंस ऑफ द जर्मेनिक ट्राइब्स एंड द ऑनसेट ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड मच ऑफ द अर्लियर लैटिन एंड रोमन लिटरेरी ट्रेडिशंस फेडेड इनटू ऑब्स्क्योरिटी. इसका मतलब क्या हुआ, जो जर्मनी, मतलब जर्मनी के जो जनजातियां थी उनका आक्रमण जब हुआ और एंग्लो सैक्सन काल की शुरुआत के साथ, मतलब जब इस पीरियड की शुरुआत हुई, पहले की अधिकांश लैटिन और रोमन साहित्यिक परंपराएं अस्पष्टता में फीकी पड़ गई. जो पुरानी परंपराएं थी वो फीकी पड़ गई जब जर्मनिक ट्राइब्स का हमला किया गया, ठीक है. नेक्स्ट है हमारी पैराग्राफ है, ड्यूरिंग दिस टाइम ओरल ट्रेडिशंस prevailed as the primary means of storytelling and very few written works survived. मतलब क्या हुआ, इस समय के दौरान जो orally बोली जाती थी, मुँह से जो बोली जाती थी वही कहानियाँ सुनी गई, पर जो लिखाने वाला जो written work था वो बहुत कम survive किया, ठीक है, लिखित रचनाएँ बहुत कम बची थी. However, हालांकि notable exceptions include epic poems like Beowulf and religious texts like the Exeter book. जो epic poem है वो है Beowulf और religious text जो है धार्मिक ग्रंथ वो है Exeter book. ये जो है ये फिर भी सर्वाइव कर गई, मतलब उल्लेखनीय है कि अपवाद है ये, उस समय में इतनी प्रॉब्लम में भी ये सर्वाइव कर गई हैं. कविता एक ये एपिक है और ये है रिलीजियस टेक्स्ट एक्सेटर बुक, ठीक है. इस टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट हैं, प्रोवाइड ग्लैम्सेस इनटू द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल एवोल्यूशन, मतलब विकास ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. ये जो ग्रंथ हैं अंग्रेजी भाषा के भाषाई लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई और सांस्कृतिक विकास की झलक प्रदान करते हैं, ठीक है, ग्लैम्सेस झलक प्रदान करते हैं. As it transformed from Old English to Middle English, क्योंकि ये पुरानी अंग्रेजी से मध्य अंग्रेजी में बदल गई थी. Next paragraph है हमारा, The Dark Ages laid the foundations for the vibrant literary resurgence of the Middle Ages. अंधकार युग ने मध्य युग के जीवंत, जो अंधकार युग था उसने मध्य युग के जीवन साहित्यिक पुनरुत्थान की नींव रखी. मतलब अंधकार युग के लास्ट में आते आते एक नया युग स्टार्ट होने लगा, उसकी नींव रखी गई. विच सॉ द इमर्जेंस ऑफ चौसर द आर्थुरियन लेजेंड्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एज लिटरेरी लैंग्वेज. इसका मतलब क्या हुआ, डार्क एज के लास्ट में आते आते एक नई नींव तो रख दी गई थी, एक मिडिल एज की, ठीक है, फिर जिसमें चौसर आर्थुरियन गिवंतियों, ठीक है, गिवंतियों का उदय और साहित्यिक भाषा के रूप में अंग्रेजी का विकास देखा गया. जिसमें चौसर का विकास हुआ, ये भी एक टाइम पीरियड है, इसका विकास हुआ, और आर्थुरियन लेजेंड्स का विकास हुआ,
ठीक है, इंग्लिश इंग्लिश लिटरेरी लैंग्वेज में, ठीक है, दोज इस प्रकार विल, जबकि द डार्क एज वेयर कैरेक्टराइज्ड बाय अ डर्थ ऑफ लिटरेरी आउटपुट, इस प्रकार अंधकार युग को साहित्यिक उत्पादन, ठीक है, की कमी की विशेषता थी, जो डार्क एज की विशेषता थी वो क्या थी, साहित्य का उत्पादन कम हुआ, ठीक है, दे वेयर आ क्रूशियल ट्रांजिशनल फेज इन द एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वे अंग्रेजी साहित्य के विकास में एक महत्वपूर्ण संक्रमणकालीन चरण थे, ठीक है, ये क्या थे, ट्रांजिशंस फेज थे, ठीक है, संक्रमणकालीन चरण थे ये अंग्रेजी साहित्य के विकास में, डार्क एज में जो भी हुआ वो अंग्रेजी साहित्य का लास्ट में आते आते उसने फिर एकदम से मतलब विकास दिखाया अचानक से, जब काफी टाइम से कुछ नहीं लिखा जा रहा था तो वो डार्क एज हो गई थी, और लास्ट में आते आते उसने एकदम से उभरना स्टार्ट किया, यही दिखाया गया है इसमें। और ये यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस होते हैं, ये छोटी सी वीडियो थी क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो ज़्यादा कुछ पढ़ना है तो उसमें यूनिट सेकंड थर्ड फोर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से ही लॉन्ग क्वेश्चंस आना है, और बाकी ये लास्ट वाली यूनिट्स में से शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ही आएंगे, तो उसको पहले वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो चैनल को से जुड़ जाएं, क्योंकि मैं एमसीक्यू वाला पैटर्न होगा फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर में, तो उसको और अच्छे से करवाने की कोशिश करूँगी। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख लें और ऐड हो जाएं, बिल्कुल फ्री अवेलेबल है पीडीएफ, कोई चार्जेस नहीं है उसके, तो प्लीज़ वहाँ जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।